रोजाना सबसे बढ़िया डील्स पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। So hey guys, it's me Deep Life back again with another video. और Deep Life Customs के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। So guys, हमारे स्टूडियो में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आज एक लैपटॉप आया है। तो गाइज हमारे पास आज ये बड़ा सा लैपटॉप है जो हम लोग DIY करने वाले हैं। तो इस पे मैं बनाऊंगा एक पेंटिंग। जिन्होंने हमें ये लैपटॉप दिया है उनको इसके ऊपर करके चाहिए एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क, एंड वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली दैट। वो सारी चीजें करने के पहले हम लोग को इसे करना पड़ेगा जेसो। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स टेक दिस गाय टू बी स्प्रे पेंटेड। तो उसके पहले मुझे करने पड़ेंगे सारे पोर्ट्स कवर। तो इसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स है एंड आई डोंट वॉन्ट द स्प्रे टू गो इनसाइड एनी ऑफ दोज एंड स्पॉइल इट। सो Yeah, let's go and do it. और ये वही जगह है जिधर हम लोग शूट करते हैं, तो यहाँ पर सांप घूमता रहेगा। तो मम्मी बी केयरफुल, इधर कोई सांप भी दिखा ना तो टेल मी, नहीं तो काट लेगा हम दोनों को। एंड यू कैन सी हाउ ग्लॉसी इट इज। और मैं इसे सैंड पेंट नहीं करने वाला क्योंकि मैं ऐसे टाइप में स्प्रे पेंट करने वाला हूँ कि इनकेस कभी निकालना हो तो पील कर पाए, क्योंकि हम लोग आज डायरेक्टली लैपटॉप पे करने वाले हैं। सो गाइज मैंने पहन लिया है ये मास्क, ये 3M का मास्क है, बहुत ही ज्यादा ये सब पेंटिंग के लिए ही होता है और इसके वजह से मुझे तकलीफ नहीं होती। तो अभी हम लोग करेंगे स्प्रे पेंट, और स्प्रे पेंट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्लैट वाइट बाय बॉसनी। फ्लैट इसका मतलब है कि मैट, तो मैट वाइट। माम से ऐसे ही रखो। और बहुत ही ब्यूटीफुल हाथ को मैट फिनिश मेरे फील हो रही है। यू कैन सी थोड़े से इम्परफेक्शंस है क्योंकि इसके ऊपर एक झाड़ का डंडी गिर गया। ऐसी सारी दुर्घटनाएं हो सकती है आपके साथ भी। और अभी हम लोग इसे करने वाले हैं कलर। तो कलर करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक्रेलिक पेंट। रैंडमली मैं इसके ऊपर कलर्स बिछा देता हूँ और बाद में हम लोग करेंगे इसे पेंट। सो मैं HP का लोगो निकाल रहा हूँ। यू कैन सी हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक राइट नाउ। उसके वजह से थोड़ा बाजू का पेंट भी पील हो गया। We will have to work on that later. Let's start now. आप पास से देख सकते हो तो कोई कोई जो पोर्शंस थे आप लाइट में देख सकते हो तो थोड़े उभरे हुए थे। तो मैंने क्या किया, 600 ग्रिट सैंड पेपर से एक बार उसे अच्छी तरह से घिस दिया, एंड बाद में ऐसे कुछ फ्लेक्स निकलते, मतलब वो बचपन में हम लोग खेलते थे ना, हाथ रगड़ के दिखाते थे तो तो ऐसे ही कुछ मिट्टी की तरह फ्लेक्स निकलते हैं जो आपको निकालने हैं, अगर आपको निकालने हैं तो, क्योंकि कोई कोई लोगों को टेक्सचर पसंद है। कम्प्लीटली नहीं निकाल रहा मैं, थोड़ा थोड़ा ही निकाल रहा हूँ जहाँ से बहुत ही ज़्यादा उभरे थे। और अभी हम लोग करने वाले क्लियर कोट ग्लॉसी। ग्लॉस क्लियर कोट से इसमें कम्प्लीटली जान आ जाएगी
और जो HP लोगो है और ये है, दोनों ब्लेंड हो जाएंगे। सो ग्लॉस क्लियर करेंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतना बड़ा टेप का बॉल निकला और मैंने ट्राई किया कि सारे पोर्ट्स बच जाए। लैपटॉप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइस, बहुत दिनों बाद ये गार्डन में आया। मैं सोच रहा था कि हमेशा की बीरोल्स की प्लेस सेम है तो नई प्लेस में ले लूं। एंड हम लोग के साथ इधर ये काजल भी है। तो मैं आपको बोल रहा था कि लैपटॉप किसका है, तो अमीर लोगों का होता है लैपटॉप और ये अमीर इंसान का है। Hello. तो आज एक सरप्राइज है कि मैं ऑलरेडी लैपटॉप लाया हूँ और वो इस बैग में है। तो प्लीज़ आप ओपन करके देख लेना कि कैसे बना है। तो अभी हम लोग को मिलने वाली है एक रॉ रिएक्शन। इट इज़ गिफ्ट रैप्ड बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट द सरफेस टू बी स्पॉइल्ड। एंड अभी मैं बता नहीं सकता, मैं ट्रेन से लाया तो शायद सरफेस पे थोड़ी चिपिंग हो ही रहेगी। तो शी वॉन्टेड समथिंग रंगीन ना काजल? Yes. तो आर यू एक्साइटेड? ओके सी। ओइला कलर कलर, दिस इज सो गुड। एक्सपेक्टेड द सेम ऑन माय लैपटॉप। तो इसने मुझे थोड़ी आइडिया दी थी कैसे चाहिए और मैंने वैसे ही कुछ बनाया है। एंड दिस इज बेटर। ओके, एंड एचपी का लोगो दिख रहा है। सी, एक बड़ी पेंटिंग की तरह ही है, यू कैन सी द डायमेंशन। उसको मैंने टेक्सचर भी वैसे ही रखा। मैं एक बार और इसके ऊपर से सैंड पेपर से जाता और बाद में क्लियर कोट मारता तो टेक्सचर चला जाता, पर मैंने सोचा थोड़ा रखूं। दिस इज सो गुड। माय लैपटॉप लुक्स, दैट प्लेन ब्लैक लैपटॉप वाज वेरी बोरिंग बिकॉज़ यू हैव अ डीप लाइफ आर्ट वर्क नाउ। उधर सिग्नेचर भी आप देख सकते हो। तो यस, ओके, अभी हम लोग लेते हैं थोड़े बी रोल्स गाइस एंड बाद में मैं वीडियो घर पे जाके एंड करूंगा थोड़े आपको टिप्स देके। पसंद आया ना? She's got me upside down again, just like a roller coaster. Never want it over now and again. You got me feeling closer, time is moving slower now again. I don't wanna get older unless you're by my shoulder now and again. Just like a roller coaster, my stomach's turning over. She got me good, yeah, she got me bad. Yeah, she got me feeling it now, a feeling I've never had. I'm falling hard, yeah, this ain't a fad. Yeah, she got me feeling a way, it's even better than that. She likes to play around only for a minute. She be flirting back and now I'm feeling so addicted. I could go another round, never reach my limit. Think she got me falling now, yeah. She's got me upside down again, just like a roller coaster, never want it over now. Final finish के लिए मैंने क्या किया, जो gloss finish होती है उस पर कभी कभी फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं इवन सूखने के बाद। तो मैंने क्या किया, जो कार का पॉलिश रहता है उससे एक बार पॉलिश मार दिया। वो वैक्स का पॉलिश रहता है तो उसके वजह से क्या हुआ, बाद में मुझे अभी फिंगरप्रिंट्स नहीं आ रहे। और मैं ट्रेन से लाया हूँ इधर तो भी कोई डैमेज नहीं हुआ सरफेस को। तो वेल गाइस, अभी मैं जाता हूँ अपने घर, काजल जाएगी अपने घर लेके उसका लैपटॉप जो नया रंग बिरंगी है। एंड गाइस, आप भी अपने लैपटॉप के साथ कर सकते हो। वैसे मैंने डायरेक्टली लैपटॉप पे किया है तो इफ दिस कुड हैव गॉन रॉन्ग, लैपटॉप खराब होने की संभावना थी, पर मैंने टेप अच्छे से यूज की, बहुत सारी यूज की, उसके वजह से लैपटॉप खराब नहीं हुआ है। आप भी डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे कर सकते हो, पर खराब हो गया तो मेरे पे नहीं आना चाहिए, अपने माँ बाप से बच के करना। वेल गाइज, आई होप यू लव दिस DIY। मैंने बहुत सारे कस्टम्स बनाए, आप जाके देख सकते हो। नीचे रिकमेंड तो हो ही रहेंगे, आई बटन में दे दूंगा। जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी दबाना टंग करके। वेल 200 के होने ही वाले हैं अभी, तो जाके भर भर के सब्सक्राइब करो चैनल को, नए दोस्तों को लाओ 200 के पे।
लाइक 1 लाख अभी हुए थे, 2 लाख मतलब डबल हो गई हमारी ग्रोथ। वैसे अब भी तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आने बाकी है, पर यस सब्सक्राइब कर दो 2 लाख जल्दी जल्दी। तो गाइस इसे मैंने ऐसे ही बनाया कि ये पील भी हो सकता है, अगर मैं सैंड करता तो पील नहीं होता था, पर यू कैन सी राइट नाउ वी कैन इजीली पील दिस ऑफ। सो बैड, इज इट सैटिस्फाइंग? इट इज वेरी सैटिस्फाइंग। सो यू कैन सी ऐसे आप पील कर सकते हो लाइक अ प्लास्टिक डिप। बहुत अच्छे से पील हो गया, बहुत ब्यूटीफुली। आई एम गोना सेव दैट। तो जैसे था वैसे हो गया। तो या जस्ट वांटेड टू टेल यू कि अगर आप सैंड नहीं करते सरफेस तो यू कैन पील इट, अगर सैंड कर दिया फिर स्प्रे किया तो इट वॉन्ट पील ऑफ एंड इट इज़ पीलिंग वेरी नाइसली। तो आपका नीचे का लैपटॉप भी डैमेज नहीं हुआ है।